डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि जानते हैं, हम लोग 12th में मैथ जो है एनसीईआरटी बुक से कर रहे हैं, ठीक है। इस एनसीईआरटी बुक से हम लोगों ने मैथ में एक्सरसाइज 7.5, एक इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज है, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.5 का पहले क्वेश्चन से पढ़ना, क्योंकि 7.5 का टोटली पूरा का पूरा हम लोगों ने थ्योरी पढ़ लिया था। चलिए अब उस पर हम लोग करते हैं क्वेश्चंस। जैसा कि पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, हम लोगों को बोल रहा है स्टार्टिंग में इंटीग्रेट द रेशनल फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 21, यानी इसमें टोटल का बात करें तो इस एक्सरसाइज में टोटल 23 क्वेश्चन है, तो 21 तक के इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन का साइन इसमें है नहीं, हम लोगों को खुद से लगाना है इंटीग्रेशन का साइन लगाकर, और फिर इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। 23 और 24 के लिए हम लोगों को इंटीग्रेशन लगाया हुआ है, इसीलिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि इंटीग्रेट करो कहाँ से कहाँ तक, 1 to 21, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन, जैसा कि देख पा रहे होंगे, इसका इंटीग्रेशन हम आपको थ्योरी बताने के बाद कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व करके बताए थे, उस एग्जाम्पल में ये पहला क्वेश्चन सेम बनाया हुआ है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई, दूसरा क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, तो ये है इंटीग्रेशन 1 by x² - 9 into dx। तो दोस्त ये फार्मूला होता है, आप इसको करो क्या, 1 बटा x का करो x² माइनस ये 9 जो है 3² पे हो गया। तो ये फार्मूला हम लोग पिछले दिन पढ़े थे, पिछले एक्सरसाइज में पढ़े थे कि अगर इंटीग्रेशन रहेगा 1 बटा x² और माइनस a² रहेगा तो फार्मूला क्या होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। ये फार्मूला है 1 बटा x² माइनस a² का इंटीग्रेशन, ये हम लोग पिछले एक्सरसाइज में पढ़े थे। तो वो फार्मूला पे डायरेक्टली इसका एक्स के जगह पे तुम एक्स रखना, और ए जहाँ होगा वहाँ पे 3 रखियो, ठीक है। ए के जगह पे 3 है क्योंकि 9 को हम तोड़ दिए ना 3 का स्क्वायर, तो इसलिए फार्मूला पे आ गया 1 बटा x² माइनस a² dx। तो जो फार्मूला पे होता है वो फार्मूला पे हम डायरेक्ट लगा लेंगे। तो इस तरीके से आप इसको खुद से ट्राई कीजिएगा, बना लीजिएगा। हम समझा दिए हैं कि ये फार्मूला पे है, ये फार्मूला आप लगाइएगा, इसमें 1 by x² माइनस a² का इंटीग्रेशन और उसका जो फार्मूला होता है यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्या है भाई, तो इंटीग्रेशन ऊपर है 3x - 1 और बटा x - 1 x - 2 x - 3 इंटू dx। इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो अगर हम लोग पढ़े थे पार्शियल फ्रैक्शन में कि नीचे वाला को देखना है, हर को देखना है, डिनोमिनेटर को देखना है, इसमें 3 गो पार्ट गुणनखंड में है, इसलिए यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं, तो 3x - 1 बटा x - 1 x - 2 और x - 3 इज इक्वल टू, इसको 3 पार्ट में तोड़ेंगे अलग अलग, ए बटा इतना, बी बटा इतना, सी बटा इतना। तो ये तोड़ेंगे तो ए बटा एक्स माइनस वन प्लस बी बटा, ये हम लोगों ने पढ़ा था थ्योरी में ही कि भाई पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब ही होता है कि नीचे वाला हर को देखना है, और नीचे वाला हर को देखने से आपको पता चलना चाहिए कि किस तरह का सिचुएशन है, हम लोगों को कैसे तोड़ना चाहिए। तो इसको तोड़ दिए सी बटा एक्स माइनस थ्री। अब दोनों को साथ लेकर चलना है, तब तक चलना है जब तक कि ए बी सी का वैल्यू नहीं निकल जाता है। तो यहाँ हो जाएगा 3x - 1 बटा x - 1 x - 2 x - 3 बराबर। अब यहाँ तीनों का एलसीएम क्या होगा, तो तीनों का एलसीएम होगा x - 1 x - 2 x - 3। अब x - 1 से x - 1 न कटेगा, तो
ए तो ए बचेगा और ए ई वाला दोनों से गुना होगा क्योंकि एक्स माइनस वन कटा तो दो ठो तो बच गया, तो ये दोनों को हम डायरेक्टली यहाँ गुना कर ले रहे हैं। तो यहाँ बनेगा इसका इसका गुना कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। हम ये कहाँ से किए तो देख लो, एक्स माइनस वन कट गया तो इसका जो दोनों गुणनखंड में है तो गुना कर दिए हैं, डायरेक्ट रख दिए हैं, प्लस बी का तो बी रहेगा। अब एक्स माइनस टू और एक्स माइनस टू कटेगा तो ये दोनों यहाँ आएगा, तो ये दोनों जब यहाँ आएगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर और माइनस 4x प्लस 3 ये आएगा, आप गुना कर लीजिएगा। और फिर प्लस में कितना सी, ये सी का सी रहेगा, इस बार एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस थ्री कटेगा तो ये दोनों बचेगा, तो ये दोनों बचेगा तो इसको गुना करके लिख रहे हैं, सी का तो सी है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को आया। ठीक है, अब नीचे वाला और नीचे वाला क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ हम लोगों को बच क्या रहा है, 3x माइनस 1। ठीक है, इज इक्वल टू ए को हम लोग सबसे गुना करेंगे तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर ए को माइनस 5x है, कितना होगा माइनस 5ax। ठीक है, और ए को 6 से गुना करेंगे तो कितना होगा, ए को 6 से कितना होगा 6a। ठीक है, फिर बी को एक्स स्क्वायर के साथ कितना होगा बी एक्स स्क्वायर, बी को माइनस 4x के साथ तो माइनस 4bx, बी को 3 के साथ कितना होगा 3b, सी को एक्स स्क्वायर के साथ कितना होगा cx स्क्वायर, सी को माइनस 3x के साथ माइनस 3cx, सी को 2 के साथ 2c। ठीक है, देख पा रहे हैं हम लोगों को ये चीज मिल रहा है, दोनों तरफ मिल गया। अब हम आपको बताए हैं कि एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर के साथ बराबर होता है, एक्स वाला के साथ बराबर होता है। चलो भाई देख लो हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है दोस्त, हम लोग यहाँ पे करते कैसे हैं वो समझना है। आप बराबर के दोनों साइड को देखिए, तो बराबर के इधर साइड एक्स स्क्वायर दिख रहा है, लेफ्ट साइड नहीं दिख रहा है, यानी कि बराबर के लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर है या नहीं है, तो एक्स स्क्वायर नहीं है तो हम बोल सकते हैं जीरो, हियर जीरो इज इक्वल टू, जीरो इज इक्वल टू। अब राइट साइड में देखिए, बराबर के दाहिने साइड तो इधर हो गया, अब इधर में एक्स स्क्वायर कहाँ कहाँ है तो यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या है ए, एक्स स्क्वायर के आगे क्या है प्लस बी, एक्स स्क्वायर के आगे क्या है प्लस सी, तो दोनों तरफ एक्स स्क्वायर वाला बराबर कर दिए। बाएं तरफ में एक्स स्क्वायर वाला है ही नहीं है तो जीरो, दाएं तरफ में ए है प्लस बी है और प्लस सी है, ये एक्स स्क्वायर वाला हो गया, इसको मान लो आप समीकरण नंबर एक। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर का तो तुम दोनों तरफ बराबर कर लिया, अब एक्स वाला बराबर करना है तो बाएं तरफ में एक्स वाला का कॉफिशियंट कितना है 3, तो यहां लिख देना तुम 3 इज इक्वल टू। अब दाहिने तरफ में एक्स कहाँ कहाँ आया है तो एक्स देखो यहाँ है, इसके आगे माइनस 5a है, एक्स यहाँ है इसके आगे माइनस 4b है, एक्स यहाँ है इसके आगे माइनस 3c है, तो एक्स वाला कुल मिलाकर कितना आया तो माइनस 5a माइनस 4b माइनस 3c, तो माइनस 5a फिर माइनस 4b था फिर माइनस 3c था माइनस 3c। ठीक है, इस ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि बिना एक्स वाला, यानी कि माइनस वन जो है बिना एक्स वाला है, यानी कि इसमें एक्स नहीं है, तो यहाँ हो गया माइनस वन, और इसमें बिना एक्स वाला कौन नहीं है तो 6a 3b और 2c, यहाँ हो गया माइनस वन इज इक्वल टू, यहाँ हो गया 6a। ठीक है, इसमें भी एक्स नहीं है, इसमें भी एक्स नहीं है, उसके बाद 3b, 3b उसके बाद प्लस 2c। ठीक है, ये हम लोगों का बिना एक्स वाला है, यानी कि ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन नंबर थर्ड। अब क्या करना है आपको, मेन काम आपको यही करना है,
ये जो तीनों समीकरण हैं जो देख पा रहे हैं आप, ये तीनों समीकरण, ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको ए बी सी का मान निकालना है, ठीक है। अब ए बी सी का वैल्यू कैसे निकलेगा अब आपको यहाँ पे सोचना है, ठीक है। चलिए हम लोग करते क्या है, फ्रॉम इक्वेशन वन चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन वन। तो वन में हम लोग ए यहाँ पे है, तो ए का वैल्यू क्या होगा, माइनस में बी और माइनस में सी। तो हम ए एक समीकरण से लिख सकते हैं माइनस बी और माइनस सी, नहीं ए का वैल्यू क्या होगा, तो माइनस बी माइनस सी। अब तुम इक्वेशन नंबर टू से चलनी हो, दूसरे इक्वेशन से चल रहे हैं, तो दूसरा इक्वेशन में क्या है, तो थ्री बराबर माइनस फाइव, माइनस फाइव है। अब ए आया तो ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो ए की जगह पे माइनस फाइव बी माइनस सी लिख सकते हैं। ए का मान जो आया है उसको यहाँ रख सकते हैं। मतलब तुम कुछ भी करके ए बी सी का वैल्यू निकालो, तो ए की जगह पे माइनस बी माइनस सी, और पहले से क्या है, तो माइनस फोर बी माइनस थ्री सी। तो कुल मिलाकर क्या आया, थ्री इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस फाइव बी माइनस माइनस प्लस फाइव सी माइनस फोर बी माइनस थ्री सी। अब यहाँ से b और b को एक साथ माइनस करेंगे, तो 5b में से 4b गया तो कितना बचेगा, b, और 5c में से 3c गया तो 2c इज इक्वल टू कितना, 3 बनेगा। अब हम तीन गो समीकरण माने हैं, तो इसको आप चार समीकरण मान लीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, अब तीसरा समीकरण से चलना है, थर्ड इक्वेशन। तो तीसरा इक्वेशन क्या था, तो माइनस वन बराबर छ ए, तो ए के जगह पे कितना रखना है, तो माइनस बी माइनस सी, ठीक है। यानी इससे आप ए का वैल्यू निकाल लीजिए पहला वाला समीकरण से, और दूसरा और तीसरा में आप रख दीजिए। तो ए के जगह पे यहाँ पे रख दिए माइनस बी माइनस सी, और बाद बाकी क्या है, थ्री बी प्लस टू सी। तो यहाँ हो गया थ्री बी प्लस टू सी, तो माइनस वन बराबर सिक्स को माइनस बी से करेंगे तो माइनस सिक्स बी, सिक्स को माइनस सिक्स सी से माइनस सिक्स सी, और प्लस थ्री बी प्लस टू सी, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोगों को क्या मिल रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि बी बी वाला को एक साथ करेंगे तो माइनस सिक्स बी और प्लस थ्री बी, तो कितना हुआ, माइनस थ्री बी होगा ना, माइनस थ्री बी, और सिक्स सी और टू सी तो माइनस फोर सी इज इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। माइनस थ्री बी और माइनस फोर सी इज इक्वल टू माइनस वन, दैट इज इक्वेशन नंबर फाइव, ठीक है। इक्वेशन फोर एंड इक्वेशन फाइव ये दोनों को देख पा रहे हैं आप। अब क्या करना है आपको कि फोर और फाइव को सॉल्व करके बी और सी निकाल लीजिए, है ना। तो अब लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन इक्वेशन फोर एंड फाइव, यानी फोर एंड फाइव से चलिए। तो फोर क्या है, बी प्लस टू सी बराबर थ्री, इसमें आप दो से गुना कर लीजिए, क्या कर लीजिए इसको, दो से गुना। तो इसको दो से गुना कर लीजिएगा, तो टू को बी से गुना करेंगे कितना होगा, टू बी, और टू को टू से गुना कीजिए फोर सी, और थ्री को टू से करेंगे सिक्स, और पांचवा समीकरण वैसे ही उतार दीजिए, माइनस थ्री बी प्लस सॉरी माइनस फोर सी, माइनस फोर सी इज इक्वल टू माइनस वन। ऐसा हम इसलिए दो से गुना कर दिए क्योंकि चौथा और पांचवा को देख पा रहे होंगे, पांचवा में चार है, इसीलिए इसको भी हम लोग चार लाना चाहिए था। तो चार कब आएगा, जब इसको दो से गुना करेंगे, तो ये हम लोगों को कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ बच रहा है कितना, माइनस बी इज इक्वल टू सिक्स, और माइनस वन कितना हुआ, फाइव, इसलिए हम लोगों को बी का वैल्यू हो गया माइनस पाँच। और जब बी का वैल्यू हो गया माइनस पाँच, तो अब हम लोग किससे करेंगे, तो अब आप फ्रॉम इक्वेशन फोर या फाइव से चल दीजिए। तो हम बोल रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फोर, फ्रॉम इक्वेशन फोर, तो आप फोर से चलेंगे, तो फोर से चलेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फोर नंबर इक्वेशन क्या है, बी प्लस टू सी इज इक्वल टू थ्री,
बी प्लस टू सी इज इक्वल टू थ्री। बी के जगह पे कितना रखना है, माइनस पाँच, तो यहाँ माइनस पाँच रख दिए, प्लस टू सी बराबर में थ्री, तो टू सी का वैल्यू कितना होगा, तो ये माइनस पाँच है इधर जाएगा तो तीन प्लस पाँच, इसलिए सी का वैल्यू कितना हो गया, चार। ठीक है, यानी कि ये चीज़ यहाँ पे निकाल के दिखाना होगा कि हम ए बी सी का वैल्यू निकाले हुए हैं। सी का वैल्यू निकल गया, बी का वैल्यू निकल गया, अब आप ए का वैल्यू निकाल रहे, तो चूंकि ए का वैल्यू कितना है, माइनस बी माइनस सी, ये वाला ए है ना, माइनस बी माइनस सी, तो ए के जगह पे माइनस बी रखना है, तो ये माइनस पाँच है, तो माइनस माइनस प्लस पाँच, माइनस सी का वैल्यू फोर, इसलिए दोस्तों ए का वैल्यू हो जाएगा वन। यानी कि कुल मिलाकर हमको ए निकल गया, बी निकल गया, सी निकल गया, और हम आप पहले ही पुट किए थे कि जो हम लोगों का इंटीग्रेशन था 3x-1, x-1, x-2, x-3, इसी के जगह पे ना ए बटा इतना, बी बटा इतना, सी बटा इतना पुट किए थे। तो चलिए अब हम लोगों को अगेन दोबारा से चलना होगा, और ए का जो मान आया, ए का मान कितना आया दिखा देते हैं, 1, बी का -5, सी का 4। चलो सवाल क्या था, फिर अगेन लिखते हैं, अगेन अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन क्या था हम लोगों का सवाल, 3x-1, x-1, x-2, x-3 इंटू dx। अब इसी के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं a बटा x-1 प्लस b बटा x-2 प्लस c बटा x-3 और पूरा का dx। ठीक है, अब एक एक जगह पे कितना आया, 1/x-1 प्लस बी, तो बी के जगह पे कितना आया है, -5/x-2 प्लस सी, सी के जगह पे कितना आया, 4 ना, सॉरी सी के जगह पे देख लेते हैं कितना आया, हाँ जी एक जगह पे 1, -5 और 4, 4/x-3 और पूरा का dx। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग कि अगर प्लस में रहता है तो इंटीग्रेशन अलग अलग करते हैं, तो इंटीग्रेशन अलग हुआ 1/x-1 dx और प्लस माइनस माइनस इंटीग्रेशन 5/x-2 dx प्लस 4/x-3 dx। ठीक है, अब करेंगे क्या, 1/x का होता है इंटीग्रेशन, देख लो भाई 1/x और dx का इंटीग्रेशन होता है log x। ठीक है, तो 1/x-1 का क्या होगा, log mod of x-1 और फिर माइनस, 5 को जब आप बाहर करेंगे तो क्या होगा, log mod of x-2। ठीक है, 1/x का log x होता है, तो 5 को बाहर कर लीजिए तो log x-2, यहाँ पे भी 4 को बाहर कर लीजिए तो क्या बनेगा, log x-3 और प्लस में सी। तो इस तरीके से हम लोगों का ये आंसर आया। चलिए देखते हैं बुक का आंसर किस फॉर्म में है और हम लोगों को कितना हद तक सही है। तो हम लोगों का जो 7.5 का जो आंसर आया कुछ इस तरीके से आया, log x-1 माइनस 5 log x-2 और प्लस 4 log x-3। देखते हैं 7.5 का तीसरा नंबर का आंसर, log x-1, ठीक है, माइनस 5 log x-2 प्लस 4 log x-3 और प्लस सी। तो दोस्त आपको क्या करना है, इसी तरीके से आगे के क्वेश्चंस को ट्राई करना है। हालांकि हम लोगों ने 7.5 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 तक के कंप्लीट किया है, अगर नहीं आपसे बनेगा तो क्वेश्चन नंबर 4-5 से भी हम आगे अगले दिन से बताएंगे। हालांकि आपको ट्राई करना चाहिए, ठीक है, बहुत सिंपल है, सबसे पहले आपको तोड़ने आना चाहिए कि अगर किस तरीके का सवाल है तो उसको हम लोगों को कैसे तोड़ना है। तोड़ने के बाद आप ए बी सी का वैल्यू निकालिए और ए बी सी का वैल्यू निकालने के बाद उसको आप आराम से इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो इस तरीके से हम लोग 7.5 में 3 नंबर तक के क्वेश्चन को कंप्लीट किए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।